मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से, कल एसकेएम नॉन पॉलिटिकल केएमएम ने बड़े ऐलान कर दिए, उनमें से एक है कि हम भाजपा के साथ साथ विरोधी दलों को भी सवाल पूछेंगे। विरोधी दलों के लिए सवाल यह होगा, जिनके उन्हें जवाब नहीं दिए, कि जो चोन मैनिफेस्टो आप बना रहे हैं, जहां अपनी नीति स्पष्ट करिए, डब्ल्यूटीओ को बाहर से बाहर निकालना, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड होगा। लखीमपुर खीरी कि अगर आप सरकार बनाएंगे तो उनको किस तरह से सजा देंगे, और शहीद शुभकर्ण सिंह को मसले में आप लोग किस तरह से उनको सजा दोषियों को दिलवाएंगे, और बाकी सब मांगों के ऊपर, कुछ पार्टियों ने कुछ मांगों के ऊपर पॉजिटिव बोला, पर सभी मांगों के ऊपर वो बोल नहीं रहे, खास करके नरेगा और 200 दिन दिहाड़ी जो हमने मांगी 700 रुपया, इन मांगों के ऊपर विरोधी दलों से भी सवाल किए जाएंगे। दूसरा, हरियाणा में लंबे यात्रा करके बड़ी मीटिंगें आने वाले समय में की गई हैं। हमारे को चंडीगढ़ में पंजाब प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ जी, सुनील जाखड़ जी गरेवाल साहब ने कहा था कि हम किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, वो हमें जो सवाल पूछना चाहते पूछ ले, तो हमने उनका चैलेंज कबूल कर लिया है। फिर ठीक है, उसके लिए 23 अप्रैल की टाइम रखा है, फिर ठीक है आप कर लें। जब हम नीचे किसी भी इनसे सवाल करते, ये कहते बड़े मुद्दे हैं, हमारे बड़े जो मिनिस्टर हैं या पदाधिकारी वो जवाब देंगे, तब हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं, ठीक है गृह मंत्री जी, खेतीबाड़ी मंत्री जी, जेपी नड्डा जी 23 को आए और हम उनसे बैठ के सवाल जवाब करते हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। तो ये भी हमने चैलेंज कबूल कर लिया है। और तीसरा, जो कौमी इंसाफ मोर्चा, जिसको जबरदस्ती वहां से उठाने का निर्णय लिया है, किसी को भी इस देश में जमहूरी ढंग से अपनी मांग मनवाने का हक है, उसका दोनों मोर्चे विरोध करते हैं भी, इसके ऊपर जबर किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। और अब जो हमने रेल रोको आंदोलन, जो हमने 9 का पहले ऐलान किया था, फिर सरकार ने समय मांगा, उसको 10 में कर दिया, 10 के बाद उन्होंने 16 तक का समय कर दिया, 17 को शंभू बॉर्डर पर रेल रोको करने का फैसला था। अब सरकार जो हरियाणा में 3 किसान गिरफ्तार किए थे, अनीश खटकर, उसके साथ नवदीप गुरकीर्त सिंह, उनको रिहा करने से भाग रही है। हरियाणा के उच्च अधिकारियों ने माना था कि 16 तक सभी किसान लीडर को रिहा किया जाएगा, 16 निकल गया, 17 हो गई। तो कल ही हमने ऐलान कर दिया कि आज 12 बजे शंभू रेल स्टेशन, जो अंबाला के पीछे है और राजपुरा के आगे है, जो हमारे मोर्चे के पास है, वहां 12 बजे पक्का मोर्चा हम लोग रेल के ऊपर लगा देंगे। अभी बोलते देशवासियों को हम नहीं रेल रोकना चाहते, न हमारा इस तरह का कोई निर्णय है, ये सरकार का फेलियर है। उन्होंने हमारे गिरफ्तार किसानों को छोड़ा नहीं है और बात करके भाग गए हैं, हम लोगों को असुविधा देना नहीं चाहते, ये सरकार हमें मजबूर कर रही है। और जो प्रबंधन दोनों मोर्चों पे करना चाहते थे उससे भाग रही है, और मीटिंग में ये कहकर मानकर अब बोल रहे हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट का मसला है, झूठ बोल रहे हैं। तो सरकार हमें रेलें रोकने पर मजबूर कर रही है, इसलिए हम युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को आह्वान करते हैं कि आज 12 बजे शंभू रेल स्टेशन पर अधिक शक्ति पहुंचे और मांगे मनवाने तक हम लोग ये मोर्चा जारी रखेंगे।